क्या है सबसे पहले और कौन है वो मामा जिसके? आज मैंने हरियाणा विधानसभा में अपने फरीदाबाद का मुद्दा उठाया। फरीदाबाद के अंदर आज डर, भय और असुरक्षा का माहौल है। वहाँ रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ चैन स्नेचिंग हो रही है, रोज़ लूट हो रही हैं। वहाँ पांच पांच मर्डर एक एक दिन में हो गए, दो दो तीन तीनों को गोली रोज़ मार दी जाती है और सुरक्षा के नाम पे हर आदमी वहाँ पे डरा हुआ है। आज फरीदाबाद की बात मैंने अपने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से की और सदन के नेता के सामने भी बात करी कि फरीदाबाद में चाहे कोई अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसके पीछे भी एक ही नाम सामने आता है, कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके पीछे भी एक ही नाम आता है, कहीं बल्लभगढ़ से अलीगढ़, बल्लभगढ़ से आगरा, हरियाणा रोडवेज के कलर में कोई 20-30 बस वहाँ पे चल रही हैं उनके पीछे भी एक ही नाम आता है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके पीछे भी, कहीं अनऑथराइज पार्किंग बना रखी हैं, चाहे वो कोर्ट के पास बना रखी हो, चाहे वो तहसील के सामने बना रखी हो या मेट्रो के सामने बना रखी हो, और उन सब के पीछे एक ही नाम आता है मामा का, और वो मामा एक केंद्रीय मंत्री के मामा हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि पिछले कई वर्ष से, आज मैंने DGP से भी पता किया, बात की और मैंने सदन में भी ये मामला उठाया कि उस मामा को 6-6, 4-4 हरियाणा पुलिस के गनमैन दे रखे हैं, उन गनमैनों से वो लोगों के ऊपर तड़ी मारता है, उन गनमैनों का भय दिखाता है, डर दिखाता है। जब पिछली बार भी मैंने अपनी बात यहाँ पे मुद्दा उठाया विधानसभा में और अब भी पीछे मैंने अपनी बात कही और वहाँ सुरक्षा के नाम पे बात करी तो मुझे भी ये कहा गया कि हम तुझे देख लेंगे, हम तुझे मार देंगे। आज मैंने वो वाली बात यहाँ पे रखी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के MLA ने और हमारी CLP नेता ने आज मेरा सबने साथ दिया। और इसमें मुझे मूलचंद शर्मा जो BJP के MLA हैं, टेकचंद शर्मा जो BSP के MLA हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ये सच कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। आज इतना ही वहाँ पे माहौल ख़राब है और पूरे फरीदाबाद के अंदर डर इतना बैठा हुआ है कि ना कोई पुलिस अफसर बगैर मामा के कार्रवाई कर सकता, ना कोई DC, चाहे कोई तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, केंद्रीय मंत्री एक ही है फरीदाबाद में, बस आप अंदाजा लगा लें, एक ही केंद्रीय मंत्री है, उसका मामा है और हर कोई जानता है इस मामा को। क्या नाम है? भरोसा दिलाया है आज मुझे सदन में रामविलास शर्मा जी ने, ये भरोसा दिलाया। मैंने स्पीकर महोदय से कहा आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप हमारी रक्षा करिए, आप ये जो फरीदाबाद में गलत काम हो रहे हैं, अनऑथराइज काम हो रहे हैं, इनको रोकने का कष्ट करिए। तो मुझे रामविलास शर्मा जी ने खड़े होकर ये कहा कि हाँ हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे और जांच कराएंगे इन सभी चीज़ों के लिए जो आज गलत काम हो रहा है और उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। और उधर बसों के लिए भी कृष्ण लाल पंवार जी ने, रोडवेज मिनिस्टर ने भी कहा है कि मैं भी पता करूँगा कि वास्तव में ये गलत काम हो रहा है। धन्यवाद।